नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कच्चे आम का अचार कैसे डालें। तो सबसे पहले कच्चे आम के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है कच्चे आम 5 केजी, कलौंजी 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, हींग 1 चम्मच, लाल मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, सरसों का तेल 3 मिनट। ये हमने सारी सामग्री ले रखी है और हमने तकरीबन 1 कप किया है, इसमें 2 लीटर तेल हमने डाल के उसको गर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमें सारी सामग्री हमने लेनी है और हल्दी पाउडर हमने दी है और ये हमने तेल गर्म होने के बाद 10 मिनट से इसको तेल में गर्म करेंगे। उसके बाद थोड़ा जीरा डालेंगे, जीरा डालने के बाद इसमें हम मेथी डालेंगे, मेथी डाल दिए, मेथी के साथ साथ ही हम कलौंजी भी इसी के साथ डाल देंगे। ये हमने कलौंजी डाल दी है, गैस का हमने स्लो बंद ही कर दिया एकदम, क्योंकि अपना तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ये हमने सौंफ डाल दी है। अब ये सारी सामग्री डालने के बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे, तेल को थोड़ा सा ये अपनी सामग्री जब तक भून जाती है। देखिए सारी सामग्री अपनी तैयार हो गई, इसके अंदर तेल पूरी तरह से खोल रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट इसमें रखेंगे, फिर इसमें ये हमने नीचे उतार लिया है। नीचे उतारने के बाद अपने कच्चे आम जो हमने ऑलरेडी पहले से सुखा रखे हैं उसको हल्दी पाउडर लगा के हमने सुखाया हुआ था, थोड़ा पंखे के नीचे आधा एक घंटा थोड़ी हवा लगाने से इसका पानी थोड़ा ख़त्म हो जाता है। फिर हमने हल्दी पाउडर लगा के सुखाया हुआ आम हमने डाल दिया है और उसमें तेल में हमने इनको पूरा सा डुबो दिया। अब ये हींग पाउडर है अपना, तो हमने हींग पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच ले सकते हैं। अब जो अपना आधा मसाला हमने उस टाइम डाल दिया ऑयल तेल में, तो आधा मसाला जो बचा हुआ अपना वो इसमें ऊपर से डाल देंगे। ये हमने कच्ची सौंफ, कच्ची मेथी सब डाल दी है और डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिला देंगे। इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार और फिर लाल मिर्च भी डाल देंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ी देर पड़े रहेंगे, इसके बाद हम इसको जार में डाल के छोड़ दीजिए और ऊपर से इसमें पूरा तेल में डुबो दीजिए। एक तेल हमने किया वो भी गर्म करके डालना है इसको, और गर्म करने के इसमें डाल दीजिए, 15 दिन तक छोड़ दीजिए। 15 दिन बाद अपना अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसको गर्मा गर्म खाने के साथ सर्व कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और